तो दोस्तों आज गौशाला में हवन है तो मैं गौशाला में जाऊंगा तो बैठा हुआ नजारों दिखाऊंगा, माता का दर्शन करूं पहले, फिर मैं भोजन ग्रहण करूं। तो पहले आप दुकान पर चला क्योंकि मैंने गूगल धूप लेके जानी है गौशाला में। तो मैं दुकान पर पूछ गया हूँ अब धूप लेवा जागी। तो देखो धूप लेने जान लाग रही है। अब मैं धूप ले लिया, अब सीधा गौशाला में जाऊंगा, थाने बैठा हुआ नजारों दिखाऊंगा। दोस्तों मैं पूरी तरह गौशाला में पुग गया हूं तो थाने गौशाला दिखा दी हूं। तो अब चला आप गौशाला के अंदर, तो गौशाला के अंदर देखा गया गुया की आंसर है। तो चलो गेट खोल दियो तो अब अंदर जान लाग रहे हैं। तो थे देख सको इन्ने गाय चरण लाग रही है और इन्ने भी चरण लाग रही है। अरे देखो छोटा छोटा टोकड़ी है, तो ये टोकड़िया मेरे लिए फोन कान देखने लाग रहे अभी। ओके करे की कौन करूं, बस तारी वीडियो बनाने लाग रहे हूँ। तो आज गौशाला में हवन है तो चावल चूल रांधा का, तो बिना नजारों दिखाऊं थाने। चलो फिर तो ये टब्बर आ रहे है डग नहीं, ओ मंदिर बनने लाग रहे है नहीं। तो बे देखो बिना चावल चूल रांधने की तैयारी करे, कढ़ाई कढ़ाई धोन लाग रहे है, आग उग बढ़ने लाग रहे है। तो थाने थोड़ा सा कन्नू दिखा दूँ, तो चुल्लो है वो टोपी और टेक दियो, बिना लकड़ी तोड़न लाग रहे है, इन्हें कढ़ाई धोन लाग रहे है। ओम ब्रह्मा मुरारी प्राण कारी भानु शशि भूमि सुतो, बिना देख लियो होम होन लाग रहे है और इन्हें घी का डबिया खोल लिया है और बिन्ने चाशनी बनाने लाग रहे है। बिन्नू और दिखा दूं जाने, इन्हें उबाल की चावल धो लिया है, तैयार है चावल, इन्हें वो सिस्टम तैयार होने लाग रही है, लकड़ी डालने लाग रही है, बिन्ने किशमिश साफ करने लाग रही है। चावल बन गया है, पूरा तैयार है, खान लाग रहे है। देखो बहुत बढ़िया चावल बने हैं, मैं तो खा के देख लिया, शांत आ गई। तो
चावल बन गया खान लाग रहा सारा। तो आप इन पूछा भी चावल क्या बने भाई? चावल बढ़िया है लेकिन दो अच्छा कमी है, एक में दाग थोड़ी गहरी थी। अच्छा दूसरी बात घी ज्यादा गहरी थी। अच्छा और चावल में कोई कमी कौन? चावल बहुत बढ़िया। अच्छा तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो थाने बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की वीडियो थाने सबू पहला मिल सके।